सो गाइस आज हम लोग आए हैं नैनीताल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संगीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज है 1st of May एंड आज हम लोग जा रहे हैं नैनीताल। तो मॉर्निंग में ना हम लोगों को मतलब जल्दी जल्दी करते करते भी ना 6 o'clock हो गया था एंड फाइनली हम लोगों ने 1st toll को क्रॉस करने के बाद, जी शिवा ढाबा के नाम से ढाबा था मेन रोड पे, मेन हाईवे पे, वहाँ से हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था एंड ऐसे ही थोड़ी बहुत मजाक मस्ती हमने की एंड देन उसके बाद हम आगे निकल गए थे। जाओ ना जल्दी। हाँ आज इनके एक्सप्रेशन देखने वाले थे, ये बहुत ज़्यादा डर गए थे वहाँ पे। सो गाइज ये है मेरा नेफ्यू, मेरे ब्रदर इन लॉ का बेटा अयांश। तो इसको ना बड़ी मस्ती छाई हुई थी जब वहाँ पे जनरेटर ऑन हुआ था, ये इसने डांस करना स्टार्ट कर दिया था एंड अपनी मम्मी को भी लेके आया था कि मेरे साथ डांस करो। अंजू, अंजू ताई जी को देख। हेलो कौन है ये, कौन है ये, मूंछ बन गई आपकी। हेलो गाइज, यहाँ पहुँचने में जितना टाइम हमें लगा था ना, दिस वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। 10 hours हम लोगों को लग गए थे। हम लोगों का जो टारगेट था वो 6 to 7 hours के बीच में था, बट anyway फाइनली हम लोग अपने होटल पहुँच गए थे एंड ये हमारा होटल है जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था 2 days का। सो गाइज इसका जो लुक है वो ऐसा है, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो एंड दीज आर द रूम। ऐसे पूरी लॉबी है एंड उसके ऊपर जाके हमारा रूम था। एक यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा वो ये था कि लिफ्ट नहीं थी। तो अगर आपके घर में कोई ऐसे एजेड हैं जो मतलब स्टेयर्स पे नहीं चल सकते हैं तो आप प्लीज़ यहाँ पर ना जाएं, क्योंकि पॉसिबिलिटी कम है कि जो अपना ग्राउंड फ्लोर होता है वहीं पर आपको रूम अवेलेबल मिल जाए। एंड शी वॉज माई मदर इन लॉ। तो मैं अभी आपको ना छोटा सा एक रूम टूर दे देती हूँ। दिस इज़ आर बेड एंड छोटा सा कबर्ड लगा हुआ था जिसमें आप अपने जो भी क्लोथिंग्स वगैरह लेके जाते हो वो आप रख सकते हो। एंड हेयर इज़ अ फुल साइज मिरर वेर यू कैन सी योर सेल्फ इन टू दिस एंड एवरेज प्राइस रेंज मैं कहूँगी। बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा बुरा ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा, बट ठीक है, हम लोगों ने बहुत इंस्टेंट प्लान बनाया था। सो फाइनली जो हमको मिला हमने वहीं बुकिंग कर ली थी। जो उसका वॉशरूम है वो मेन पार्ट होता है, मतलब हर जगह का कि हाइजीनिक होने चाहिए, तो ठीक ठाक था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा लगी नहीं। हमको गीज़र लगा हुआ था एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट बिकॉज हम लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था एंड जो हमें जैसा ठीक लगा हम लोगों ने बुकिंग कर ली थी। एंड हम लोग ना काफ़ी लेट पहुँचे थे, इस वजह से हम लोग बस लंच वगैरह करने के बाद बोटिंग करने का हमने सोचा, बिकॉज मॉर्निंग से यहाँ पे बोटिंग स्टार्ट होती है। मॉर्निंग का टाइम मैं पूछकर यहाँ पे मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पर एंड इवनिंग में 6:30 के लास्ट, मतलब 6:30 PM लास्ट टाइमिंग्स होती हैं यहाँ पे बोटिंग की। एंड गाइज यहाँ पे जो प्राइजिंग होती है वो होती है 210 rupees में 3 peoples की, अगर आप वो जो चक्कू वाली होती है जो चलाने वाली लेते हो, बिकॉज उसमें एक पर्सन तो वो होते हैं जो आपको राइड करा रहे होते हैं एंड 3 VR फैमिली पर्सन। एंड अगर आप पैडल वाली लेते हो ना तो उसमें आप 4 बंदे बैठ सकते हो एक ही बोट में एंड उसका प्राइस रेंज भी सेम रहता है। बट उसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि उसमें आपको 1 hour के लिए मिल जाती है बोट एंड इसमें जस्ट 25 minutes के लिए आपको बोट मिलती है, वो मैं आगे आपको बताऊँगी इस वीडियो में। तो यार फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर इन्जॉय करना स्टार्ट कर दिया था। बोट बीच में रह गई, रस्सी खुल गई क्या? लेके आनी पड़ेगी इसको, वो तो ये लोग ले जाएंगे ना। नॉट बैड, सस्ता ही। पापा शम्मी कपूर लग रहे हैं।
ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, कोई राज है। कितनी गहरी हो गई? बहुत बहुत गहरी है। कितनी गहरी होगी? 100 फीट से ऊपर है। उत्ते सो गाइज, ये हम लोग नैनी लेक में आए थे एंड इसको नैनी लेक इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये ना नयन मतलब आँख की शेप का बना हुआ है। आप जब टॉप से देखोगे ना तो ये ना एक आँख की शेप में बना हुआ है, जैसे कि हम लोगों ने देखा भी था एंड सुना भी था एंड वहाँ के लोगों ने बताया भी था, जो गाइड वगैरह होते हैं उन्होंने। 220 रुपीज़ के लिए और अगर आप जानना चाहते हो ना कि सबसे बेस्ट सीज़न क्या है, तो सबसे बेस्ट सीज़न है मार्च से जून के बीच, है ना, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा नहीं है कि बहुत ठंड है, बट हाँ इतना है कि शीतलहर चल रही है, बट मज़ा आ रहा है, इंजॉय करने वाला मौसम है। गाइस, तो ये ना वो वाला दिन है जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे एंड इवनिंग में हम लोग जितना भी यहाँ पर घूम सकते थे उतना हम लोगों ने घूमा था। इसके बाद वीडियोस आने वाली हैं कॉन्टिन्यूसली वेयर यू कैन विजिट इन नैनीताल एंड उसके बाद हम लोग जहाँ जहाँ भी गए थे मैंने सारी जगह ना एक्सप्लोर की है अच्छे से एंड डिटेल में आप लोगों को बताया भी है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप ना बाद में भूल जाओगे आई नो, तो अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपसे कोई भी मेरी आने वाली वीडियो मिस आउट ना हो। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही आई हूँ, 2011 में आई थी। गाइस दिस इज़ माय सेकंड विजिट इन नैनीताल, मैं 2011 में आई थी, स्कूल की साइड से हम लोग आए थे एंड सारी यादें ताज़ा हो गई हैं, बस मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं मेरे साथ, अदरवाइज एवरीथिंग सेम। और ये लेफ्ट में नैनी झील है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाता है। मुझे नहीं लगा था इसके अंदर होगी, आप बनाना, लेकिन यार आप गिराना दो रहने दो। वो ब्रेड ढूंढने आई है, लेट हो गई आप और सोलो।
अरे मैं आ गया था, मैं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। नाना देवी मंदिर के साइड में ये सारे शॉप्स हैं, बट रेट मुझे ना ज़्यादा रीजनेबल लगे नहीं। ऑब्वियसली टूरिस्ट प्लेस है तो थोड़ा सा यू नो एक्सपेंसिव है हर चीज़ में। पर भाई आपको कुछ खाना है तो आप यहाँ से खा सकते हो, इंडियन साउथ इंडियन चाइनीज एंड दिस इज चाइना टाउन मल्टी फेसिंग। ये पूरी लाइन आपकी खाने की दिस वे बुरा नाना देवी मंदिर और ये गुरुद्वारा। देखो भाई यादव से ना ऐसी सेठी जा रही है, वो चेक कर लो स्पेलिंग का, स्पेलिंग लिख दो एसी टी एच आई ठीक है, 20 मिनट में मिल जाएगा ना। साइज तो नहीं है भैया, हां फिर रख दो। किसका है, किसका ये, किसका ये? फाइनली आज का डे स्पेंड करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पर, द ढाबा करके रेस्टोरेंट बना हुआ था, काफ़ी भूख भी लगी थी तो यहाँ पर हम गए थे। एंड काफ़ी रेंज ना इनकी, मतलब प्राइस रेंज काफ़ी एवरेज थी एंड टेस्टी खाना आपको मिल जाएगा यहाँ पे। मॉल रोड स्टार्ट होते ही मेन रोड पर ये बना हुआ है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली विजिट कर सकते हो। एंड यहाँ पे खाने पीने के बाद हम लोग होटल जाके बस सो गए थे एंड उसके बाद मॉर्निंग में उठ के हम लोग कहाँ गए, सारी लोकेशंस एंड एवरीथिंग आई एम going to share with you all. तो make sure मेरे channel को subscribe करना ना भूलें, also hit the bell icon so that whenever I'll upload new video you will get notification. till then take care, bye bye.